उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहे हैं। लखनऊ से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये लोकार्पण कर रहे हैं। वो 25,000 मेगावाट है और पिछले 4 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि यानी पिछले 4 वर्ष के दौरान जो हम लोगों ने इस फील्ड में काम किया, इसमें 53% की वृद्धि हुई है। गर्मी के मौसम में और जब खेती बाड़ी का समय होता है उस समय बिजली की मांग भी ज़्यादा होती है और उसके कारण अधिकतम भार वहन क्षमता में बढ़ोतरी की उस समय उस कालखंड में निर्बाध बिजली और समुचित बिजली देना एक चुनौती होती थी हमारे सामने। हम लोगों ने तो पिछले 4 वर्ष के दौरान पावर कॉर्पोरेशन ने इस चुनौती को लिया, लेकिन उस सब के बावजूद एक चैलेंज हमारे सामने था और उस चैलेंज को आपने देखा होगा कि इस प्रकार से सबस्टेशन स्थापित करके पावर कॉर्पोरेशन ने फेज वाइज अलग अलग समय में उस समस्या का समाधान किया और इस दिशा में आवश्यकता पड़ी तो निवेश को आमंत्रित करके उस फील्ड को और मजबूत करने का कार्य किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि 6,100 करोड़ रुपए की लागत से जो पारेषण परियोजनाओं का पीपीपी मोड पर भी कार्य किया जा रहा है और प्रदेश के अंदर 400 केवीए से उच्च प्रकृति के पारेषण कार्यों को भी पीपीपी मोड में संपादित करने के लिए आगे की कार्रवाई भी तेजी के साथ बढ़ाई जा रही है। मेरा आप सबसे अपील होगा कि पावर कॉर्पोरेशन के जो ये सकारात्मक प्रयास हैं, इस सकारात्मक प्रयास में प्रदेश के हर एक तबके को जुड़ना पड़ेगा। अगर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो हमें पावर कॉर्पोरेशन को भी आत्मनिर्भरता के इस मार्ग पर आगे बढ़ाने की दिशा में बेहतर प्रयास करना होगा। लाइन अच्छी है, दिशा अच्छी है, एक टीम वर्क के साथ इसे आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से पावर कॉर्पोरेशन को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूँ। मान्य जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं के अनुरूप सब स्टेशंस और उनके यहाँ पावर सप्लाई की जो निर्बाध आपूर्ति करने में पावर कॉर्पोरेशन सफल हुआ है, मैं इसके लिए मान्य जनप्रतिनिधियों को, उस क्षेत्र की जनता को जहाँ के लिए आज ये सब स्टेशंस लोकार्पित हुए हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम इस सकारात्मक पहल को और तेजी के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।